हमारे पशुओं को कई बार कब्ज या गोबर बंद की शिकायत हो जाती है, और ऐसा ही सवाल राजस्थान के जयपुर ज़िले के थानागाजी से मुकेश कुमार शर्मा जी ने किया था कि सर, मेरी एक गाय है जो कि 3 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके गोबर बंद हो गया है, वह गोबर नहीं कर रखी है, बताइए मैं क्या उपाय करूं। तो आज उसी चीज़ के ऊपर मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। मित्रों, अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बशर्ते आप इस चीज़ को गौर से सुने, क्योंकि आप पशुपालक हैं। हमारा जो चैनल है वह डेयरी से संबंधित है, और आप यदि हमें देख रहे हैं तो यह तो अब आज सिद्ध हो ही जाती है कि आप पशुपालक ही हैं। यदि आप पशुपालक हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, वह इसलिए कि जरूरी नहीं है कि यह डिजीज़ आपके पशु में आज ही आई है, हो सकता है कि भविष्य में कभी आपको इससे सामना करना पड़े, और यदि आपके पास नॉलेज होगी तो आप अपने पशु का इलाज कर सकते हैं। यदि किसी और मित्र या और किसी भाई या किसी और पशुपालक के पशु को भी तकलीफ़ है तो आप कम से कम उसको नॉलेज तो दे सकेंगे इसके बारे में। यदि आपको जानकारी होगी तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और वीडियो को कंप्लीट आखिर तक देखा करें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हमारे यहाँ से मिल सके। मैं कुछ ऐसे नुस्खे बताता हूँ जो कि आपकी रसोई घर से ही अवेलेबल हो जाते हैं, मसालों से, जड़ी बूटियों से और पेड़ पौधे घास फूस से मैं आपको इलाज बताता हूँ कि आप अपने पशुओं का किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। आज की वीडियो के जो मुख्य टॉपिक जो रहेंगे ना, वह हैं रोग के लक्षण, रोग के कारण और रोग के रोकथाम एवं देसी उपचार। तो पहला जो टॉपिक है, पहले टॉपिक को हम लेते हैं कि रोग के लक्षण क्या क्या होंगे। यदि आपके पशु को गोबर बंद या कब्ज की शिकायत हो रही है तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे। रोग के लक्षण में आपको, आपका जो पशु है उसका गोबर बंद हो जाएगा, बार बार जोर भी लगाएगा लेकिन गोबर नहीं आ पा रहा है, वह गोबर नहीं कर पा रहा है, या बार बार हल्का हल्का वह पेशाब करेगा, यानी कि जिसको हम निमाई बोलते हैं, निमाई करेगा लेकिन गोबर नहीं आता है। दूसरा, उसके पेट में भी दर्द हो सकता है, यह वह थोड़ी थोड़ी देर में कभी उठता है, कभी बैठता है, इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस तरह के ये लक्षण इसके अंदर आएंगे। आप अगर हमें पहली बार देख रहे हैं, कुछ मित्र अगर इस डेयरी फार्मिंग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, उससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास चले जाएंगे, तो आप हमारी हर वीडियो को पहले देख पाएंगे। अब मैं आपको कारण बताने वाला हूँ ये किन कारणों से हो जाता है। आपके पशु का पानी कम पीना, या आप अपने पशु को कुछ इस तरह का दाना चारा दे रहे हैं जो कि अटपटा है, तला भुना कुछ आपने डाल दिया है। बहुत से लोग बाग जैसे उसको तली भुनी चीज़ें, जैसे कुछ घर में बनती हैं ब्याह शादी के टाइम में, पूरी लड्डू वगैरह बनते हैं वो खिला देते हैं, या फिर दूसरे तरह के जो इस तरह के जो खाने होते हैं वो उसको दे देते हैं, सूखा भूसा ज़्यादा डालते हैं उसके कारण। सबसे मेन इसमें होता है कि पानी उसको कम पिलाते हैं। आगे हम इसी श्रृंखला में बढ़ते हुए रोग की रोकथाम एवं बचाव के लिए सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो यही है कि अपने पशु को पानी ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करवाएं, जहाँ तक संभव हो हर वक्त उसके सामने पानी होना चाहिए, जब उसकी इच्छा हो तभी वह पानी पी ले, तो यह व्यवस्था आप अपने आसपास रखें। अब इसमें देसी इलाज और उपचार के अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि जो पशु है आपका वह प्रेग्नेंट अवस्था में है, जैसा कि मुकेश जी ने बताया कि उनकी जो गाय है वो 3 महीने की गाभिन है, तो गाभिन पशु को, प्रेग्नेंट पशु को हम हर तरह का कब्ज खोलने की चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार रिस्क भी हो सकती है यदि हम उसे कुछ ऐसा नुस्खा दे दें जिसकी तासीर गर्म हो, और गर्म होने के कारण उसका अबॉर्शन भी हो सकता है। तो हमें यहाँ बहुत सावधानी काम में लेने की ज़रूरत है, और इस सावधानी में आपको बिल्कुल साधारण जो आप ही के घर पे जो अवेलेबल हो जाती है चीज़, मैं उसी से आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या लेना है। आपको मात्र और मात्र 3 चीज़ें लेनी है। पहला, आपको दूध जो आपके घर पे अवेलेबल हो जाएगा, दूसरा आपको चीनी, वह भी आपकी रसोई घर में अवेलेबल हो जाएगी, और तीसरा है अरंडी का तेल, जो कुछ घरों में अवेलेबल हो भी जाता है, और नहीं भी है तो हमारे आसपास की किसी भी किरयाने की दुकान से या मेडिकल स्टोर से आप
कैस्ट्रोल ऑयल के नाम से या अरंडी के तेल के नाम से आप ले सकते हैं। बने रहिए वीडियो के अंदर आखिर तक, मैं इसके अंदर आपको मात्राएं और इसका उपयोग कैसे करना है वह भी मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ना, तो एक लाइक तो कर दीजिए दोस्तों, लाइक का हक तो बनता है ना। अब आपको जो ये दूध, चीनी और अरंडी का तेल, आपने ये तीन आइटम लिए थे, इनका आपको क्या करना है, दूध को बॉईल करने के लिए गैस चूल्हे पे या किसी भी आग के ऊपर आप चढ़ा दीजिए। जब दूध गर्म होने लगे, बॉईल होने लगे, तो उसके अंदर चीनी को मिलाना है। लेकिन यहाँ मैंने आपको मात्रा तो बताई नहीं है कि दूध कितना लेना है और चीनी कितनी लेनी है। आपको दूध लेना है 1 किलो की मात्रा और चीनी लेनी है 500 ग्राम की मात्रा। तो आप 1 किलो बॉईल होते हुए दूध के अंदर आधा किलो यानी कि 500 ग्राम चीनी को ऐड कर दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स होने के बाद में ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है इसको कि आपको ज़्यादा उबालना है, बस इतना गर्म करना है कि आपकी जो चीनी है वो उसमें अच्छे से घुल जाए। घुलने के बाद में आप इस दूध को नीचे उतार लीजिए और जब दूध नीचे उतार लिया तो इसी दूध को ठंडा करके और इसके अंदर लगभग 300 ml आपको अरंडी का तेल मिलाना है। और इस अरंडी के तेल को मिला करके अब आपने पशु को आप ये दे दीजिए। यह नुस्खा दिन में एक बार ही देना है, सिर्फ एक बार देना है। आप किसी भी वक्त दिन में एक बार अपने पशु को, प्रेग्नेंट पशु को ये नुस्खा दीजिए और फिर देखिए कि आपको 4 से 5 घंटे के अंदर अपने पशु के अंदर रिलीफ महसूस होगी। अगर फिर नहीं होता इस तरह का तो आप एक बार दूसरे टाइम, दूसरे दिन और दे सकते हैं, आपका पशु ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है तो आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उनकी सहायता ज़रूर लें। दोस्तों, अगर आपने हमारी ये जो दूसरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, दूसरी वीडियो नहीं देखी है, तो ये प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप इन्हें भी देख सकते हैं। साइड में ही जो हमारा डेयरी फार्मिंग का जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। तो राम राम, नमस्कार, फिर मिलते हैं।